राधे राधे दोस्तों, मैं विवेका गोयल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल रिद्धि सिद्धि में। धन और ज्योतिष से जुड़ी ज्ञानवर्धक और रोचक बातें जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जानकारी से भरपूर हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम बात करेंगे सुंदरकांड के महत्व के बारे में। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में ज्यादा परेशानियां हो, कोई काम नहीं बन रहा हो, आत्मविश्वास की कमी हो या कोई और समस्या हो, सुंदरकांड के पाठ से शुभ लाभ प्राप्त होने लग जाते हैं। अक्सर शुभ अवसरों पर गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। शुभ कार्यों की शुरुआत से पहले सुंदरकांड का पाठ करने का विशेष महत्व माना गया है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली के दोष दूर करने के लिए और विपरीत परिस्थितियों में से मुक्ति पाने के लिए सुंदरकांड का पाठ करने की सलाह दी जाती है। श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है। संपूर्ण श्री रामचरितमानस भगवान श्री राम के गुणों और उनके पुरुषार्थ को दर्शाती है। सुंदरकांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जो श्री राम के भक्त हनुमान की विजय का कांड है। सुंदरकांड आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बढ़ाने वाला कांड है। सुंदरकांड के पाठ से व्यक्ति को मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आत्मविश्वास मिलता है। सुंदरकांड में हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका पहुंच गए और वहां सीता की खोज की, लंका को जलाया और सीता का संदेश लेकर श्री राम के पास लौट आए। यह कांड एक भक्त की जीत का कांड है, जो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है। सुंदरकांड में जीवन की सफलता के महत्वपूर्ण सूत्र भी दिए गए हैं। पूरी रामायण में सुंदरकांड को सबसे श्रेष्ठ कांड माना गया है, क्योंकि यह व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ाता है। इसी वजह से सुंदरकांड का पाठ विशेष रूप से किया जाता है। हनुमान जी की पूजा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई है। बजरंगबली बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। शास्त्रों में इनकी कृपा पाने के कई उपाय बताए गए हैं। इन्हीं उपायों में से एक उपाय सुंदरकांड का पाठ करना है। सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी के साथ ही श्री राम जी की भी विशेष कृपा होती है। किसी भी प्रकार की परेशानी हो, सुंदरकांड के पाठ से दूर हो सकती है। यह एक श्रेष्ठ और सबसे सरल उपाय है। इसी वजह से काफी लोग सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से करते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए विधिवत और सही नियमों के साथ हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ आस्था और विश्वास के साथ करना चाहिए। इस पाठ को एक बार पूर्ण करने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। पाठ करते समय शांति से और पूर्ण ध्यान के साथ यह पाठन करें। पाठ मंगलवार और शनिवार को करना अधिक कृपा देने वाला और फलदायक है। अच्छी तरह सुंदरकांड पाठ विधि के नियमों से यह धार्मिक पाठ करें। जिनके पास पूरा पाठ करने का समय नहीं हो, वह 11 चौपाइयों का पाठ भी रोजाना कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ करने से पहले ये मन में विश्वास रखें कि जैसे हनुमान जी ने श्री राम जी के सब कांस सवारे, हमारे भी सब कष्ट हरेंगे। सुंदरकांड में 3 श्लोक, 60 दोहे तथा 526 चौपाइयां हैं। 60 दोहों में से प्रथम 30 दोहों में विष्णु स्वरूप श्री राम के गुणों का वर्णन है। सुंदर शब्द इस कांड में 24 चौपाइयों में आया है। कैसे करें सुंदरकांड का पाठ? सुंदरकांड का पाठ करने से पहले भक्त स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हनुमान जी और श्री राम की फोटो या प्रतिमा पर पुष्प माला चढ़ाकर दीप जलाएं और भोग में गुड़ चने या लड्डू का भोग अर्पित करें। पाठ शुरू करने से पहले श्री गणेश जी की पूजा करें, फिर अपने गुरु जी की और फिर पितरों का वंदन करें। इसके पश्चात हनुमान जी व श्री रामचंद्र जी का आह्वान करके पाठ प्रारंभ करें।
पाठ खत्म होने पर श्री हनुमान जी की आरती एवं श्री राम जी की आरती करें एवं पाठ में भाग लेने वालों को आरती और प्रसाद दें। जब सुंदरकांड समाप्त हो जाए तो भगवान को भोग लगाकर आरती करें, उनकी विदाई भी करें। पाठ होने के बाद सुंदरकांड को लाल कपड़े में श्रद्धा पूर्वक लपेट कर पूजा स्थान पर रख दें। आप सभी यदि पूरे विधि विधान से सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो हनुमान जी के साथ प्रभु श्री राम की भी विशेष कृपा आपको मिलेगी। आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। इसी के साथ मैं विवेका गोयल आप सभी से विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। राधे राधे।